दोस्तों अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के बीच होने वाले सेकंड ओडीआई के मैच की। ठीक है, इस वाले गेम के अंदर दोस्तों स्मॉल के लिए और जीएल के लिए क्या टीम रहने वाली, सारा कुछ इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहना, आपको एक बढ़िया सी प्राइम टीम मिलेगी इस वाले वीडियो के अंदर। ठीक है, कोई भी स्किप मत करना। बाकी जो नए लोग हैं, नए यूज़र हैं, ठीक है, वो उनका दोस्तों हमारे टेलीग्राम से जुड़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फाइनल टीम आपको यहीं पर मिलती है। तो यहाँ से जुड़ने के लिए दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको सबसे फर्स्ट लिंक मिलेगा उस पर क्लिक कीजिएगा। पहला लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का है, तो फटाफट से यहाँ से जुड़ जाइएगा। ठीक है, सेकंड तरीका क्या है दोस्तों हमारे टेलीग्राम से जुड़ने का, क्योंकि टेलीग्राम से जुड़ना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर टाइप कीजिए @UDCRA10। अब दोस्तों ये सर्च करने के बाद टॉप पर जो चैनल शो होगा, जिसका यूज़र नेम @UDCRA10 होगा, 42,400 के आसपास सब्सक्राइबर्स होंगे। केवल और केवल यही वाला चैनल आपको ज्वाइन करना है, बाकी किसी कोई भी अदर चैनल फेक चैनल ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, अब दोस्तों रीशेड्यूल्ड मैच है दोस्तों, है ना, जो पहले होने वाला था। ये मैच खेला जाएगा दोस्तों मुल्तान में। बाकी प्लेइंग 11 की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ की साइड की अगर मैं बात करूँ, जिसमें कि दोस्तों शेहोप, के मायर्स, ठीक है, एस ब्रूक्स, निकोलस पूरन, ब्रैंडन किंग, रोमन पॉवेल, ठीक है, रोमारियो शेफर्ड, अकीलुसन, अल्जारी जोसेफ, एडन वॉस, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जेडन सील्स, ये दोस्तों इनकी प्लेइंग 11। इसके अलावा पाकिस्तान साइड की अगर मैं बात करूँ, सफकर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, खुशदिल शाह, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हैरिस, हसन अली, शाहीन अफरीदी, हैरिस राव। अब ये दोस्तों इनकी प्रोबेबल 11, ठीक है। प्लेइंग 11 में कोई भी चेंज होती है, अभी कुछ अपडेट नहीं आई दोस्तों क्रिकबस पे, ना ही अदर ऐप्स पे, ठीक है, कहीं पे भी अपडेट नहीं मिल रही है। इसलिए जैसे ही कोई अपडेट आएगी ना, आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, टेलीग्राम से जुड़े रहना। अब दोस्तों वन बाई वन तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे पाकिस्तान के साइड से, ठीक है, आपको पाकिस्तान के कौन कौन से प्लेयर रखने हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों फ़खर जमान एंड इमामुल हक, ठीक है, सॉरी दोस्तों बाबर आजम के में मार्क को कहता, फ़खर जमान और इमामुल हक, ठीक है, ओपन करेंगे दोस्तों। लास्ट गेम में क्या हुआ था, फ़खर जमान केवल 11 रन ही बना पाए थे भाई, इमामुल हक की बात करें दोस्तों 65 किया था, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन दोस्तों स्मॉल लीग के लिए बढ़िया, ट्राई कर सकते हैं। सेम एज बाबर आजम जो कि वन डाउन पे बैटिंग कराएंगे, क्या ज़बरदस्त पारी खेली दोस्तों, शतक लगा के आ रहे हैं ओडीआई मैच में, ठीक है। इसके अलावा विकेट कीपिंग और दोस्तों प्लेयर भी काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं, जो कि मोहम्मद रिजवान, ये चारों ऑप्शन दोस्तों स्मॉल लीग के लिए आप ट्राई कर सकते हो। इनफैक्ट मिनी जीएल में भी ट्राई कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले नंबर पे दोस्तों खुशदिल शाह, ठीक है, लास्ट गेम में भी अच्छा किया था, है ना, बस सारे तो हम नहीं ले सकते दोस्तों। अगर आप खुशदिल शाह के साथ जाना चाहते हैं दोस्तों, टॉप ऑर्डर के या तो आप जमान को ड्रॉप कीजिए, ठीक है, अदरवाइज़ मैं तो नहीं बोलूँगा दोस्तों बाबर आजम, फ़खर जमान या दोस्तों इमामुल हक को ड्रॉप कीजिए, ठीक है। बट रिस्की टीम है ना, आप जमान को ड्रॉप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट स्मॉल लीग में जमान को ज़रूर रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों शादाब जो कि बॉलिंग भी कराएंगे, इसके अलावा आपका बैटिंग भी कराएंगे मिडिल ऑर्डर पे, ठीक है, एक आधा विकेट भी लेके गए थे आई थिंक, मुझे याद है। तो शादाब आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे दोस्तों स्मॉल लीग के लिए, ठीक है। बाकी ओवरऑल पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर मैं एक बारी बात करूँ तो थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे दोस्तों, है ना, इसमें हैरिस रऊफ, अफरीदी एंड हसन अली तीन इंपॉर्टेंट ऑप्शन, बाकी चौथा ऑप्शन दोस्तों शादाब के रूप में आपको मिल जाएगा, बट यहाँ से बॉलर हम दो ही ले सकते हैं, ठीक है। तो अफरीदी और हैरिस रऊफ बढ़िया ऑप्शन रहेंगे दोस्तों। हैरिस रऊफ लास्ट के गेम में 4 विकेट लेके आ रहा है, अफरीदी भी दोस्तों 2 विकेट, ठीक है। थोड़ा सा अलग करना चाहो तो हसन अली को ट्राई कर सकते हो, इनफैक्ट वीसी बना सकते हो दोस्तों, है ना।
प्लस दोस्तों अगर तो बॉलिंग आती है तो दोस्तों आपकी टीम में हरीश रऊफ होने चाहिए, अंतिम ओवर कराएंगे दोस्तों, ठीक है, शाहीन अफरीदी एंड हसन अली, ठीक है, तीनों के साथ ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो दोस्तों शे होप एंड अपना के मायर्स दोस्तों ओपन करेंगे। लास्ट गेम अगर आपने फॉलो किया होगा तो 127 करके आ रहे शे होप, ठीक है, बट दोस्तों विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, है ना, ये ऑप्शन आपके लिए बढ़िया है। विकेट कीपिंग में दोस्तों निकोलस पूरन आपको नज़र आ जाएंगे, मिनी जीएल में जरूर ट्राई कर सकते हो। बाकी दोस्तों शे होप आपके लिए इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है, डिफॉल्ट ऑप्शन आप कह सकते हो। बाकी बात करेंगे के मायर्स की, ठीक है, अब दोस्तों के मायर्स को कितने लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है, 48%, क्या बात है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बॉलिंग भी कराएंगे, ठीक है, ऑलराउंडर कैटेगरी से ना आपके लिए इम्पोर्टेंट पिक रहने वाले हैं, ठीक है, प्लस टॉप ऑर्डर पे बैटिंग भी कराने वाले हैं, तो के मायर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। एस ब्रूक्स, ठीक है, अगले नंबर पे, यहाँ पे दोस्तों सिलेक्शन परसेंट देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो, लास्ट के गेम में भी दोस्तों 70 करके आ रहे हैं, ठीक है, ये ऑप्शन भी दोस्तों आपके लिए ज़बरदस्त रहने वाला है। अगले नंबर पर दोस्तों निकोलस पूरन, बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा नीचे है, है ना, तो कोशिश करना मिनी जीएल में ही ट्राई करने का, स्मॉल लीग में थोड़े से रिस्की ऑप्शन ज़रूर रहेंगे, इसका ध्यान रखना आप। बाकी दोस्तों ब्रेंडन किंग स्मॉल लीग में इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है दोस्तों। बाकी रोमन पॉवेल की अगर बात करें तो लास्ट गेम में तो बढ़िया किया था, 32 करके आ रहे हैं, बट भाई दोस्तों बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा नीचे है, है ना, तो रिस्की टीम में ही रखना। बाकी हमारे यहाँ सेफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये दोस्तों ये ऑप्शन इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है, जीएल के लिए, क्योंकि दोस्तों बंदा बॉलिंग भी कराएगा ना, ठीक है। बाकी ओवरऑल एक बारी इनकी एक बारी मैं आपको फिर से बता देता हूँ ना, बैट्समैन में अपना शे होप इम्पोर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों, बाकी यहाँ से एस ब्रूक, जिसकी टीम में रोमन पॉवेल, बाकी जीएल वगैरह में ब्रेंडन किंग, इसके अलावा के मायर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, रोमारियो शेफर्ड जीएल में ट्राई करना एंड मिनी जीएल में। बाकी ओवरऑल बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे, है ना, एक बॉलिंग ऑप्शन हमने लिया हुआ है के मायर्स के रूप में, ठीक है। बाकी दोस्तों एक विकेट टेकर ऑप्शन अकील हुसैन दोस्तों या अलजारी जोसेफ, टीम तो दोस्तों पाकिस्तान के फेवर में बनेगी नो डाउट, बट यहाँ से हम एक ही बॉलर ले सकते हैं, अगर तो आप एडजस्ट कर पाओ तो दोस्तों जोसेफ को ज़रूर रखना, है ना। बाकी अगर बॉलिंग फर्स्ट आती है वेस्ट इंडीज़ की तो जेडन सील्स आपके लिए रहेंगे, और जैसे कि मैंने बताया दोस्तों बॉलिंग फर्स्ट आती है तो शेफर्ड को ज़रूर रखना, ठीक है। बाकी दोस्तों अलजारी जोसेफ, ठीक है, ये तीन ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर बॉलिंग फर्स्ट आती है तो, बॉलिंग सेकंड में अकील हुसैन को ट्राई कर लेना। बाकी दोस्तों अब टीम क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने बताया स्मॉल लीग के लिए अकील हुसैन, अफरीदी, हरीश रऊफ, ऑलराउंडर कैटेगरी से दोस्तों के मायर्स एंड शादाब खान, बाकी अपना बाबर, फकर, इमामुल हक, इसके अलावा एस ब्रूक, मोहम्मद रिजवान, ये बन गए दोस्तों आपकी स्मॉल लीग की टीम, ठीक है। सी और बीसी की बात करें दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, है ना। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ से दोस्तों जमान को ट्राई कर सकते हो, रिजवान को ट्राई कर सकते हो, है ना, हरीश रऊफ है दोस्तों, शादाब हैं, या स्मॉल लीग के लिए काफ़ी बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है, इनको आप ट्राई कर सकते हो, बाकी टीम सेव करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों जीएल टीम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों पूरन, रिजवान, जमान, बाबर,
उसके अलावा दोस्तों ब्रैंडन किंग और मारियो शेफर्ड, शदाब अलजारी, जोसेफ जेडन सिल्स, हसन अली, हैरिस राव। बाकी दोस्तों एक चेंज यहाँ पे कर सकते हो, अफरीदी को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। सी और वीसी की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों ब्रैंडन किंग है, मोहम्मद रिजवान है, शाहिन अफरीदी, अगर आप लेते हो तो दोस्तों उनको भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों 10-12 टीम्स अगर आप लगाते हो तो दोस्तों यहाँ पे पूरन को भी ट्राई कर सकते हो, अलजारी जोसेफ को ट्राई कर सकते हो, बाकी शादाब खान को ट्राई कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ये दोस्तों आपके लिए जीएल की टीम रहने वाली है। खैर इस वाली टीम का अगर मैं सीवीसी बनाऊं, अब वो दोस्तों अपना हसन अली, इसके अलावा दोस्तों फकर जमान, हाईली रिस्की टीम जीएल के लिए दोस्तों, ठीक है। टीम सेव करेंगे एंड वीडियो के यहीं पे एंड करेंगे दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी दोस्तों गिव अवे है आपके लिए बैट बॉल 11 पे 5000 का, ठीक है। एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पर ज्वाइन जरूर करना, ठीक है। बाकी जो लोग भी बैट बॉल 11 पे खेलना चाहते हो यहाँ पर खेल सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इस ऐप का, ठीक है। काफ़ी बढ़िया ऐप है, कमीशन बहुत ही कम लेती है दोस्तों। धन्यवाद।